ये जब इस तरीके का सवाल रहे तो तुम्हें सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, जिसको बोलते हैं अपन एफ बी डी। क्या बोलते हैं? एफ बी डी, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या फ्री बॉडी डायग्राम? कैसे? ऐसे देखो, अब ये दो दो किलोग्राम या दो एम का मान लो, अगर यहाँ पे टू एम है तो सीधे नीचे क्या लग रहा होगा? टू एम जी। इसका एक टेंशन ऊपर काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे आके तुम्हारा सबसे पहला इक्वेशन क्या बना? 2mg माइनस t इज इक्वल टू एम ए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका कम है, तो ये जो पुली है तुम्हारी पुली, ये पुली क्या होगी? ये नाच जाएगी, पुली घूमेगी। पुली जब घूमेगी तो कुछ एक्सीलरेशन से ये क्या हो रहा होगा? ये ऊपर जा रहा होगा और उतने ही एक्सीलरेशन से ये बंदा नीचे आ रहा होगा। बोलो मैं ना भैया पक्का? पक्का। अब देखो तो यहाँ से एक इक्वेशन तुम्हारा ये बन गया कि 2mg माइनस t इज इक्वल टू एम ए। 2mg माइनस t इज इक्वल टू एम ए। अब इस वाले पे आ जाओ और इस स्प्रिंग को तुम एज आ स्ट्रिंग, जैसे कि एक स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग वाले सवाल अपन कर रहे थे पहले। तो जैसे स्ट्रिंग को आपने पहले ट्रीट किया है, इसको आप एज ए स्ट्रिंग आप ट्रीट करिए स्टार्टिंग में। बात समझ में आ रही? तो जब स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग करोगे तो ऊपर लगता है क्या टेंशन, नीचे लग रहा है एनर्जी, लेकिन ये पूरी बॉडी ऊपर जा रही। बोलो भाई ना, बोलो भाई ऊपर जा रही है ना। तो ऊपर जाने का मतलब हुआ कि ये ऊपर जो लग रहा है टी, ये टी ज्यादा है। टी क्या है? ज्यादा। किससे ज्यादा है? एनर्जी से ज्यादा है। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो आपका बन जाएगा मेरे भाई, वो क्या बन जाएगा? e माइनस mg इक्वल टू ma। बोलो बात समझ में आई? अब जैसे ही तुम्हारे सामने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? इसको दोनों को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? तो माइनस t और प्लस t होगा कैंसिल। बोलो हां ना। ये 2mg और माइनस mg क्या बनेगा? mg। mg इज इक्वल टू क्या? 2ma और ma बराबर 3ma। तो यहां से तुम्हें a बराबर क्या मिल जाएगा? g/3। बोलो है ना भैया पक्का? तो ये a इज इक्वल टू आ गया g/3। अब सुनो जनाब, आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू। किसकी? k की वैल्यू डेल्टा x। आपको डेल्टा x निकालना है। डेल्टा x इस स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन हुआ, तो वो चीज कितना एक्सपेंशन हुआ वो बात आपको पता चलेगी कि इस पे फोर्स कितना लगा, यानी स्प्रिंग फोर्स। और यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू टी। टी के बराबर है। तो कहीं ना कहीं से हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इस ए इज इक्वल टू जी बाई थ्री को आप कहीं भी पुट कर दिए। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आप पुट करते हैं, तो यहाँ पे जब आप पुट किए होंगे तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू हाउ मच? इधर बताओ बच्चा, यहाँ पे एम और ए की जगह जी बाई थ्री। तो जैसे ही आपने करा तो ये बताओ कि ये चीज इधर आएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? एम जी प्लस, बोलो बोलो, एम जी बाई थ्री। तो तीन एक चार, यानी बोले तो 4mg by 3। ये आ गई आपकी वैल्यू टी की। और यही जो टी है वो किसके बराबर है? यही टी तुम्हारा किसके बराबर है? स्प्रिंग फोर्स के। यानी स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? एफएसपी स्प्रिंग फोर्स कितना? 4mg by 3। तो जनाब आप हमें ये बताइए, ये क्या होता है? के डीएक्स बराबर कितना? 4mg by 3। बोलो हाँ या ना भाई। तो यहाँ से डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4mg/3 के। हम हो गए कि नहीं भैया?